सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा मुहावरे। प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। एक तरीका है साधारण, दूसरा तरीका है विशेष। देखिए, यहाँ राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसे हम साधारण तरीके से कह सकते हैं। अब इसी बात को हम विशेष तरीके से इस प्रकार कहेंगे कि राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। इसी तरह से ये चित्र देखिए, इसे हम साधारण तरीके से कहें सिपाही को देखते ही चोर भाग गए, और विशेष तरीके से कहेंगे सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। बच्चों, यहाँ लाल पीला होना, 9 2 11 होना विशेष प्रकार के कथन हैं। इन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे साधारण बात को विशेष बना देते हैं। इनसे भाषा मजेदार लगती है। ये वाक्य के अंग होते हैं, यानी कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। आइए अब कुछ मुहावरे और उनके अर्थ वाक्य में प्रयोग सीखते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। कमर कसना, तैयार होना। नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली। घुटने टेकना, हार मान लेना। आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। कान भरना, शिकायत, चुगली करना। रीमा जब देखो पड़ोसिन के कान भरती रहती है। मिट्टी में मिलाना, नष्ट कर देना। गलत काम करके तुमने अपने माता पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को गांठ बांध लेते हैं। दांत खट्टे करना, हराना। शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। हाथ मलना, पछताना। अवसर चूक जाने पर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। चूड़ियां पहनना, कायर बनना। यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। डींग मारना, अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना। वह जितनी डींग मारता है उतना काम नहीं करता। नाक रखना, मान रखना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। नाक में दम करना, बहुत दुखी करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। आग का तारा, बहुत प्यारा। कृष्ण जी माता यशोदा की आंखों के तारे थे। तो बच्चों, आज का विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।